I uh, welcome to all of you to Sleepy Glasses. So we will be continuing with our premix series. Yesterday we started with the geography, and as, as I said, we'll be doing the premix series in the systematic manner. So today we'll be starting with the polity. Okay. So before starting, uh, first of all, I want to inform you about the current fair course that we are bringing at the sleepy glasses. So it will be covering comprehensively both prelims and means and All the topics would be subject-wise and also within those subjects, all the topic-wise discussion would be there of current affairs. You are all are welcome to attend those demo classes. For first six lectures, you can have a demo, right? And regarding content, we'll be providing with you daily PDF and monthly compilations. आपको PDF की मिल जाएगी. And उसी में ही आपको all the previous year questions सभी डिस्कस हो जाएंगे करंट अफेयर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आप इसको ट्राई करके कर देख सकते हो. ऐसी हम एक और हम कोर्स ला रहे हैं. यूजली हम क्या करते हैं जी के आपको एक ही साथ पूरा कोर्स एनरोल करना पड़ता है जोग्रफी हिस्ट्री एवरी सब्जेक्ट पर नाउ एट स्लीपी क्लासेज वी हैव कम अप विद द इनोवेटिव सोल्यूशन सो नाउ वट वी आर डूइंग वी आर कमिंग अप विद द लाइक यू कैन चूज द सेट ऑफ कॉर्सेज दैट यू वॉन्ट टू स्टडी वेदर यू वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री जोग्रफी अकॉर्डिंगली यू कैन एनरोल विद दस एंड इन दो ई ईच एंड एवरी कोर्स विल बी प्रोवाइडिंग विद द इच एंड एवरी कंटेंट वीडियोज वुड भी अवेलेबल पी डी एफ इट वुड भी कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड कवरिंग बोथ प्रिलिम्स एंड मीन्स Daily quizzes would be given, and obviously, uh, after a period of time, some content gets if gets updated. So, we'll be providing you with those things also. And also, in addition to these, monthly current phase would be provided. Okay, so now let's start with our uh, premix. Okay, so questions for today are so, first of all, question is it is, uh, see, first of all, in the polity, we'll be uh, what I have kept. I have started with the historical underpinnings, what all acts have been there which have laid the foundation for the.

सेपरेटेड दी फंक्शन लजिस एंड एग्जीक्यूटिव ऐसी फर्स्ट में देखना कि कैसे उसने रिस्टोर कर दी पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना प्लीज पॉज करके अटैम्प्ट करना सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन ऑफ ब्रिटिश टेरेटरीज जो ब्रिटिश ने टेरेटरीज ऑक्यूपाई करके थे इंडिया में उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक्सप्लीसिडली मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश ने कहा थ्रू विच एक्ट इस एक्ट में डायरेक्टली मैंशन है कि ये हमारी टेरेटरी है ये ब्रिटिश की टेरिटरी है इंडिया को तो ये ये क्वेश्चन है देन थर्ड क्वेश्चन है ये पी वाई क्यू बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड तो इसमें क्या कह रहा है जो हमने फेडरेशन सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उसने कुछ पावर्स डिवाइड की थी प्रोविशनल प्रोविशनल देन फेडरल पावर्स वो डिवाइड की थी ऐसी रेजिटरी पावर्स तो रेजिटरी पावर्स किसके पास गई थी कौन डिसीजन लेता है विद रिस्पेक्ट टू तो रेजिटरी पावर ऐसी फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे है तो आपने देखा अब ट्रेंड दि क्या चेंज हो रहा है अब पोस्ट इंडिपेंडेंस बेस क्वेश्चन आ रहे हैं और यूपीएससी फैक्चुअल जा रहा है तो ऐसे मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे तो आप देखोगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इट इज़ अ टोटली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी तो सही है या गलत है वो हम देखेंगे देन सेकंड जो सीट्स एलोकेट हुई थी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को वो क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे एलोकेट हुई थी थर्ड ऑप्शन कह रहा है जो सीट्स एलोकेट एलोकेट हुई थी वो किन किन कम्युनिटीज में हुई थी मुस्लिम्स हिंदू या फिर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन देन मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविशनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव तो कैसे इलेक्शन हुई थी जो जो मेम्बर्स कॉन्स्टिटूट अम्बली के बने थे कैसे इलेक्शन टू द मैटर ऑफ प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो सही है या गलत है वो हम देखेंगे ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेस्ड क्वेश्चन है तो आप देखोगे इसमें क्या पूछ रहा है जो कमेटीज़ बनी थी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिटूंट असेंबली के लिए वो कमेटीज़ और दूसरे साइड पर क्या उनके चेयरमैन क्या वो चेयरमैन थे या नहीं थे तो ये क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है पर सिंस फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है और यूपीएससी देखोगे अब क्वेश्चन इस पर बना रहा है तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इस पर फ्रेम कर दिया आपके लिए तो आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करो पाँच ऑल दी फाइव क्वेश्चन राइट ओके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो विल बी डिस्कसिंग ओके सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ओके तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 तो वो क्या कह रहा है वो कह रहा है अब देखो ये जो फीचर्स है हर एक्ट्स के आपको याद करने हैं प्रीलिम्स के लिए बिकॉज डायरेक्टली प्रोविज़न पूछ रही है यू अगर आप देखोगे उठाओगे पिछले पाँच छः साल के एक पेपर तो यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस पर नाइनटीन थर्टी फाइव एक्ट पर भी आया है देन हिस्ट्री से मिक्स करके अगस्त सॉफ्टवेयर पे आए हुए कैबिनेट मिशन इंडिपेंडेंस एक्ट इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए यू पी ने तो आपको पढ़ने है ये तो इसलिए डायरेक्ट प्रोविजन जैसे लक्ष्मीकांत गिवन है रट्टा मारना है आपने राइट तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है पहला ऑप्शन क्या कहता है एक्ट रिस्टोर दावर्स टू दी बॉम्बे एंड मद्रासिडेंसी तो अगर हम देखिए तो बहुत सारी चेंजेस सा एडमिनिस्ट्रेटिव अद्मिस्रे, सेटअप में ब्रिटिश के तो उसमें क्या था ब्रिटिश एडॉप्टिड दॉलिस ऑफ डिस तो उसको रियलाइज हुआ कि जो हम सेंट्रलाइज पावर कर रहे गवर्नर जनरल के हाथ में वो बैकफायर कर रही है तो आफ्टर एटीन सिक्सटी से पावर्स दोविसेस तो डिट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसी एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास प्रेजिडेंसी को लेजिलेटिव पावर्स मीन्स लीगल मेकिंग पावर दैट मीन्स लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेट डेलीगेट कर दी थी और तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट लाइकवाइज थर्ड ऑप्शन देखिए सेपरेटेड दी लेजिस्लेटिव एंड एग्जैक्टिव फंशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम तो अगर हम देखें ये जो प्रोविजन थी एक्चुअली 1857 फिफ्टी रिवोर्ट से पहले ही हो गया था ये जब 1853 फिफ्टी थ्री एक्ट चार्टर एक्ट आया था तब ब्रिटिश ने खुद सेपरेट कर दिया गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल अलग लेजिस्टिव काउंसिल अलग तो लेजिलेटिव फंक्शन एग्जेक्टिव फंक्शन दोनों अलग हो चुके थे तो सेकेंड ऑप्शन क्या गलत है ये एक्ट का प्रोविजन है तो करेक्ट आंसर के आंसर क्या है वन तो ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आपको ये थोड़े से रट्टा वाले जितना रिवाइज करते रहोगे तो आपको ये फैक्ट्स याद होते रहेंगे राइट तो ये एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हो ओके देन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मीन्स जो एक्ट बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन से थे और उन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक्सप्लिसिटली मैंशन है कि ब्रिटिश टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ इंडिया सॉरी ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया ऑब्वियसली दे हैव इसमें क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है पहले ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू था ही पर वो इम्प्लिसिडली था डायरेक्टली मैंशन नहीं था पर कौन से एक्ट में तो आंसर क्या है एटीन थर्टी अगर आप देखो चारों एक्ट्स सेन एटी फोर पहले रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवनटी थ्री आया तो तब ब्रिटिश को रिलाइज हुआ कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत है और इनकी वजह से हमारी टेरिटरी लूज हो सकती है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कंट्रोल करना स्टार्ट किया तो उसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं था कि जो ई की पोजीशन है वो डायरेक्टली ब्रिटिश टेरिटरी है इन in इंडिया वो डायरेक्टली मेंशन तो इसमें था उसको कंट्रोल करना स्टार्ट हुआ तो अगर आप देखो तो वट इट से हाँ वट इट सेज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवन थ्री इट स्ट्रेंथन दी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ने सिर्फ कंट्रोल रखा ओवर दी कंपनी और इसमें क्या कहा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कंपनी के उनको रिपोर्ट करना है अबाउट रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स टू ब्रिटिश तो इनडायरेक्टली कंट्रोल था पर स्पेसिडली कहीं मैंशन नहीं था तो इसलिए क्या वट वी हैव सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग ऐसे फिर उसके बाद आया तो सेवनटीन एटी फोर में क्या था एट्स एक्ट था उसमें भी डायरेक्टली मैंशन नहीं था उसमें क्या मैंशन था ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया इसमें असर्ट किया था ब्रिटिश ने

तो पहले तो चार्टर इनका रिन्यू किया और उनको क्या कहा इट असर्टेड दैट सॉवरिनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द दंपनीज टेरेटरीज इन इंडिया सॉवरिनिटी मीन्स रूल ओवर द ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश क्राउन का पूरा रूल है अब जो जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में तो डायरेक्टली इट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वॉज इन द एक्ट क्लियरली डिफाइन किया था ऐसे ही हम देखें लास्ट ऑप्शन चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री ये भी नहीं है इसमें भी क्या इसमें इंडायरेक्टली मैंशन था इम्प्लिसिडली नॉट एक्सप्लिसिटली इसमें भी क्या मैंशन था इट्स हेड की जो जो टेरिटरीज ऑक्यूपाइड है ईआईसी आई सी ने ऑक्यूपाई किया इंडिया में वो ब्रिटिश क्राउन की है पर हेल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर हिस मेजिस्ट्री हिस्स एंड सक्सेस तो ये था बेसिकली और इसमें क्या था ए आई सी की कमर्शियल एक्टिविटी भी एंड करती थी तो, तो देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने हर एक प्रोविजन अच्छे से पढ़ रखी हुई है लक्ष्मीकांत की लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है हर प्रोविजन अच्छे से पढ़ो देखो क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी फ्रेम करती है जस्ट हमें क्या करना है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है और ईजी क्वेश्चन है बस हमें अगर फैक्स को रिवाइज करते रहना और देखो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं बस आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है ये चीज़ ध्यान रखना बस और जो फैक्ट्स अगर होते हैं उनको ये मत सोचो कि वो फैक्ट्स जरूरी नहीं है यूपीएससी किसी भी फैक्ट पे क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी पे पहले क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती थी पर लास्ट टू टू थ्री ईर्यस में पोस्ट इंडिपेंडेंस पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी ओके थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव रेजुलटरी पावर वॉज गिवन टू होम सिंपल क्वेश्चन अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन पढ़े हैं और ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे प्रीलिम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है तो इसमें डायरेक्टली अगर आप पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन इसने क्या किया था इट है डिवाइडेड जो लिस्ट है जिसपे पावर्स मतलब जो जिनपे गवर्नमेंट क्या कहते हैं प्रोविजन्स बनाती है तो उसको डिवाइड किया था लिस्ट को प्रोविंशियल लिस्ट फेडरल लिस्ट एंड देन वी हैड रेजरी पावर टू वट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेट प्रोविंशियल लिस्ट पे जो पावर्स जो डिसीजन लेंगे कौन लेंगे प्रोविंस लेंगे ऐसी फेडरल लिस्ट के केस में कौन पावर्स लेगा फेडरल गवर्नमेंट दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट देन जो रेजिडरी पावर बची वो कौन लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स एक्जेटिव और दैट एग्जेक्टिव इज लेड बाय होम इट इज लेड बाय वॉइस रॉय एंड उस टाइम पे गवर्नर जनरल भी बोलते थे तो गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय तो ये दो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर थी इनके पास एग्जेक्टिव गवर्नमेंट की तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कह रहे फेडरल लेजिस्लेचर ये फेडरल एग्जेक्टिव नहीं कह रहा तो ये ऑप्शन गलत हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोविसेस आ गया तो ऑब्वियसली प्रोविसेज के पास तो रजिस्ट्रेट पावर वैसी नहीं थी सेंट्रल के पास थी फेडरल के पास तो ये हो गया फेडरल कोर्ट्स कोर्ट्स के पास पावर नहीं थी कोर्ट सिर्फ वो डिस्प्यूट्स हैंडल करता था इसलिए सेटअप किया था तो कोर्ट्स भी नहीं है फेडरल कोर्ट तो ऑप्शन क्या बचा वॉइस ट्राई अगर आप थोड़ा लॉजिक भी लगाते तब भी अटैम्प्ट कर सकते हो अगर नहीं लगाया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वैसे अगर प्रोविजन आपको याद करने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो राइट सो पर ऐसे क्वेश्चन में कहते होता कभी कभार क्या होता है हमें फैक्ट नहीं याद आ रहा होता तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आप थोड़ा लॉजिकली भी अगर अप्रोच करोगे तो कर सकते हैं जैसे हमने लॉजिकली अप्रोच किया इस क्वेश्चन को तो हम बिना अगर नहीं भी पढ़ा था किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल वी कैन यूज आर नॉलेज की जैसे आज के टाइम भी क्या है प्रेजेंट गवर्नमेंट में कंकरेंट पावर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड रेजरी पावर रेजरी पावर आज भी किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये याद रखना बस राइट पर आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल पार्लिमेंट के हाथ में अब एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं है पर ब्रिटिश के टाइम पे क्या था एग्जेक्टिव के हाथ में पावर थी लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं थी आज के टाइम लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल पार्लियामेंट देन एग्जेक्टिव तो ये चीज ध्यान रखना बस तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन ओके देन वी हैव तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो तो इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो गवर्नर जनरल के पास पावर थी कि वो अलाउ कर सकता था फेडरल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अगर रजिस्ट्रेटरी पावर पे कुछ प्रोविजन या लॉ बनाना है पर वो तभी बना सकते थे जब गवर्नर जनरल या वाइस रॉय अलाउ करता था वरना नहीं राइट ओके देन फोर्थ क्वेश्चन ये क्या है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इसको इस क्वेश्चन इस को देखो एक तो आप तरीका यूज कर सकते हो तो कि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए आपने अगर कोई फैक्ट नहीं आता स्टिल आप थोड़ा लॉजिकली भी यूज कर सकते हो आंसर अटैप्ट कर सकते हो लाइक फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट वॉज अ टोटली एंड इंडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी अगर आप देखो तो नहीं इंडायरेक्टली नहीं थी क्यों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स क्या थे एक तो प्रोविंस से आए थे एक चीफ कमिश्नर जोन से आए थे एंड थर्डली देवर कमिंग फ्राम द प्रिंसली स्टेट्स तो जो इन केस ऑफ प्रोविंस थे उनके केस में तो इनडायरेक्टली इलेक्शन मेथड था कि प्रोविसेस ने चूज किया जो मेम्बर्स बनी है कॉन्टीटूंट असेंबली के पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके केस में क्या था हमारा जो मेथड था वो नॉमिनेटेड मेथड था ना कि इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड सो लोगों का कोई से नहीं था और वहाँ पे कोई प्रोविंस असेंबली नहीं थी तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग तो तो बेसिकली दिस वाज नॉट टोटली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी इट वॉज वट मिक्स ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी प्लस नॉमिनेटेड तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही हमारा रॉन्ग हो गया और जब भी एब्सोलूट स्टेटमेंट होती है ना कभी कभी भी जैसे टोटली totally, ओनली तो ऐसे केस को ना ऐसे पॉइंट्स को हमेशा थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया करो या तो वो बिल्कुल सही वो या फिर गलत होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग ही होता है बिकॉज कोई फैक्ट कभी इतना मतलब ओन ऑब्वियस एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता है पॉइंट कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट्स अब देखोगे तो हमेशा वो रॉन्ग निकलता है पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये दिमाग में बैठा लेना कि कभी अगर ओनली आ गए तो हमेशा वो ऑप्शन रॉन्ग होएगा ही नहीं होगा थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करना लॉजिक यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है और वो बहुत ईजी होता है उस केस में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बिकॉज हमारा देखो एक ऑप्शन चले गया वी नो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग तो नो हम ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो हमारा आंसर है ही नहीं तो ऑप्शन टू बी एंड डी रह गया तो बी एंड डी में क्या कॉमन है टू तो ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट इज राइट सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को हमने सीट कैसे एलोकेट एलोकेट की थी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के बेसिस पे हाँ आज के टाइम भी हम ऐसे एलोकेट करते हैं तब भी हम ऐसे करते रहे तो सेकंड पॉइंट तो वैसे ही सही है तो हम टाइम भी बचा सकते हैं स में कहता है टाइम भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो सेकेंड ऑप्शन सही तो हमें बस देखना है थ्री और फोर में से अगर हमें एक भी पॉइंट गलत मिल गया तो हमारा आंसर बी हो जाएगा अगर एक भी पॉइंट गलत नहीं मिला तो मतलब कि थ्री और फोर दोनों अगर सही है तो आंसर डी होएगा तो देखो ऐसे भी हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं तो अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं द सीड्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री मेन कम्युनिटीज मुस्लिम्स हिंदूज एंड जनरल तो अगर हम इसमें देखें हाँ हमने तीन कम्युनिटीज में डिवाइड की थी मुस्लिम हिंदूज एंड जनरल तो थर्ड पॉइंट इज राइट तो अगर थर्ड पॉइंट इज राइट तो मतलब सेकंड भी सही है थर्ड भी सही है तो मतलब आंसर क्या होगा डी तो हमें फोर्थ भी देखने की जरूरत है ही नहीं दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है डी इज़ द आंसर तो ऐसे भी आप स्मार्टली आंसर कर सकते हो जो ही नहीं कि आपको चारों फैक्ट्स ही पता हो और यूपीएससी आपको हमेशा ऐसे कम्फर, कम्फर्ट प्रोवाइड करती है अगर ऐसे मल्टी सीट में चार भी आ जाएगी तीन भी आ जाएगी तो ऐसे आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करिए किसी ना किसी वे से तो आपको बस वहां क्या शो करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड राइट और ऐसी फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल प्रोविशियल असेंबली तो दैट मीनस की प्रोविंशियल के असेंबली मतलब प्रोविंसेस के दे इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये सही है मेथड हम इसी मेथड से हमने इनको चूज किया था प्रोविंसेस ने जो मेबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यून असेंबली थे उनको इनडायरेक्टली चूज किया था और कैसे किया था मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल पोर्ट, राइट तो देखो जी, कितना ईजी क्वेश्चन था स्टिल ऑप्शन हमें बहुत सारे लगते थे बेसिक भी पढ़ाओ आपने कॉन्स्टिट्यूटली के बारे में आप अटेम्प कर सकते ऑप्शन को ऐसे फ्रेम नहीं किए थे कि आपको ट्रैप कर सके ऑप्शन में आपको कंफर्ट प्रोवाइड करा होगा हाँ अगर यहां पर जैसे बी में टू एंड थ्री होता तो, तो क्या होता आपको ऑब्वियसली फोर्थ फोर्थ ऑप्शन भी देखना पड़ता तो वो कभी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकते हैं पर अदरवाइज इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं ओके देन वी ओके यू कैन हैव एट दी लोकेशन एक्सप्लेनेशन पार्ट ओके देन वी हैव फोर्थ सॉरी लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है सिंपलीम वेरियस कमेटीज जो कॉन्स्टिट्यून असेंबली की थी और उनके चेयरमैन कौन थे तो पहली कमेटी क्या बोल रहे हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसका चेयरमैन बी आर अम्बेडकर सेकेंड कह रहे हैं प्रोविशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसका चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज तो उसका चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू तो अगर आप देखो हमें पता है जवाहरलाल जुआ, नेहरू हमारे क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे और वो यूजली यूनियन रिलेटेड जितनी कमेटी थे सबको हैंडल कर रहे थे तो उस लॉजिक से अगर आप लगाओ तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली रॉन्ग तो अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वो बेसिकली किसके लिए इन्वाल्व थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाकी और किसी कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे थे वो तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया अगर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्गे ऑब्वियसली ऑप्शन ए एंड डी हमारा गलत हो गया अब क्या बचा बी एन सी बी एन सी में कॉमन के सेन्ड तो दैट मीन्स प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो सेकंड इज राइट अब, हम अब हमें सिर्फ देखना है अब ट्रैप क्या कर दिया यू पी एस सी ने हमें ट्रैप कर दिया कि थर्ड ऑप्शन में तो थर्ड इज़ राइट और रॉन्ग थर्ड राइट होएगा तो सी इज़ द आंसर रॉन्ग होएगा तो बी इज़ द आंसर तो अब हमें देखना है अब देखो अब ये क्या अब ये आपका टेस्ट कर रहा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है कि आपको रट्टा थोड़ा सा मारना पड़ेगा जो आपकी बुक्स में है स्टैंडर्ड सोर्सेस में वो पढ़ना पड़ेगा वो रट्टा मारना पड़ेगा उसको नहीं स्किप कर सकते तो आ, तो बेसिकली अगर हम देखें इसका आंसर क्या है थर्ड इज़ ऑल्सो रॉन्ग एडवाइजरी कमेटी टू फंडामेंटल राइट इसके बेसिकली चेयरमैन कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये इसका बेसिकली आंसर है तो आ, आंसर क्या है आंसर इज द बी तो ऐसी यू कैन हैव अ लुक है अगर हम देखें तो ऐसी और कमिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो हमें पता होनी चाहिए उनके चेयरमैन यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट्स कमेटी कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद सेस जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेटिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा एंड मोरवर और भी कमेटीज़ होंगी जैसे आ, जैसे नई लक्ष्मीकांत अगर आप देखोगे जो नया एडिशन आया है तो उसमें आप देखोगे उसमें कमेटीज़ और भी है तो थोड़े से वो देख लेना और कुछ नए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है जैसे मैंने अभी बनाया नहीं क्वेश्चन पर था जैसे सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये पुरानी लक्ष्मीकांत में नहीं है पर नई लक्ष्मीकांत में है तो जैसे सिंबल ऑफ द लक्ष्मी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एलिफेंट तो ये थोड़े से फैक्ट्स आप याद करने पड़ेंगे बिकॉज यू पूछ रही है ऐसे क्वेश्चन तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बेस क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा एंड प्लीज़ इनको लाइटली मत लेना और अब आपको आइडिया लग गया है कि मेकिंग ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस के थ्रू आई हैव गिवन यू बेसिक आडिया आपको बस अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी के इसी से आइडिया लेके प्रीलिम्स की अप्रोच रखनी है और वो टॉपिक्स पढ़ो देखो आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे वो और बस फिर उस फिर आपका बस काम क्या रहेगा आपका बस काम है रिवाइज करना रिवाइज 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 एंड रिवाइज दैट्स इट और कुछ नहीं बाकी हम जब रिलीजन सेशन्स करेंगे तब भी आपकी ये सारा कवरअप हो जाएगा राइट ओके थैंक यू सो मच